नो पार्किंग कृपया से 300 रुपया बताइए, कि कर्जा लेके 300 रुपया भरा हूँ तब गाड़ी छूटा है। 300 रुपए लिए हैं और कभी कभी पकड़ाया है गाड़ी वोड़ी? गाड़ी अभी तो अभी लगी हुई है वहीं पर। अच्छा पकड़ा गया है? हाँ पकड़ा, अनजान से गाड़ी लगा दिया यहाँ पे तो 300 रुपया उसका फाइन किया जाएगा। 1200 भी लगा था। लगा था आपको? हाँ। ये सब देख सकते हैं, ये सब गाड़ियाँ लगी हुई है ना, ये सब बताइए आप, 300 रुपया फाइन लगेगा तब जाके गाड़ी छूटेगी। लोकल है वाला करताला मरता है, वही मिला रहता है, पार्किंग वाला ही मिला रहता है, वही आकर ताला मरता है। आप सब यहाँ गाड़ी लगाने का पैसा, यहाँ ऑटो रिक्शा अगल बगल लगेगा तो इसका पैसा नहीं होगा। तो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब? जय हिंद जय भारत। अभी हम बिहार में हैं और बिहार के बक्सर जिले में, और आज हम भैया आए हुए थे, कार्यक्रम था कल मेरा, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो गाड़ी था पल्सर गाड़ी था वो पकड़ा गया था। सुनते हैं यहाँ पे 300 रुपया फाइन है अगर गाड़ी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर कोई भी गाड़ी लगेगा तो उसका 300, यहाँ पे देख सकते हैं सीकर लगा हुआ है सब, इस सीकर से लॉक कर देंगे। और कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है नो पार्किंग, कृपया यहाँ पे किसी भी प्रकार का वाहन नहीं लगाया गया पार्किंग में, अन्यथा कानूनी कानूनी कार्रवाई का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। पैसा है, हम लोग पढ़वैया है कहाँ से, 300 रुपया बताइए, कि कर्जा लेके 300 रुपया भरा हूँ तब गाड़ी छूटा है। आपका भी पकड़ाया था, कितना पैसा लगा है? 300 रुपये लिए हैं और बोल रहे हैं कि वो लिखा है नो पार्किंग, तो नो पार्किंग में जो गाड़ी लग गई तो उसको फाइन करना चाहिए ना, उस पर लिखना चाहिए कितना फाइन लगेगा, जिसका कोई डिटेल्स नहीं है। ये है बिहार सरकार। और बताइए 300 रुपया एक आम आदमी के लिए, 300 रुपया 500 रुपया दिहाड़ी होता है दिन भर। आप कभी कभी पकड़ाया है गाड़ी वोड़ी? गाड़ी अभी तो अभी लगी हुई है वहीं पर। अच्छा पकड़ा गया है? हाँ पकड़ा गया। बताइए ना, कुछ संदेशा दिया, हर रोज लगा रहता है, लगाता है आदमी। अब ऐसा होता कि बताए होते, खबर किए होते तो आदमी हटा दिया होता, और दिन भर यहाँ गाड़ियाँ लगी रहती है। कहीं पे भी आप जाइएगा, किसी भी रेलवे प्लेटफार्म पे, तो वहाँ पे गाड़ी जाहिर सी बात है लगा देता आदमी, अनजान आदमी आता है तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए, कितना देर किसी को रिसीव करने आता है, किसी को छोड़ने आता है, तो बस 2 ही 4 मिनट लगाएगा ना, है ना अंकल जी? और क्या? कितना पूरा, अरे पूरा यहाँ से पैदल जाने का नहीं, अभी तुरंत लगेगा ऑटो रिक्शा, ये सब यहाँ भरा रहता है। यहाँ रिक्शा वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आम आदमी अगर आएगा, आम आदमी अगर अनजान से गाड़ी लगा दिया यहाँ पे तो 300 रुपया उसका फाइन किया जाएगा। ये कहाँ का कानून है? 1200 दिए हैं का? 1200 भी लगा था। लगा था आपको? हाँ। बहुत पहले। अच्छा फोर व्हीलर का था? फोर व्हीलर का ना, 2 व्हीलर का नहीं। अरे अभी बोल रहे हैं वो वाला, ये सब देख सकते हैं, ये सब गाड़ियाँ लगी हुई है ना, ये सब बताइए अब 300 रुपया फाइन लगेगा तब जाके गाड़ी छूटेगी। हम पूछना चाहते हैं कहाँ पे, हमने पूछा भी कहाँ पे लिखा गया, तो हमसे गरमा गए सर, वहाँ पे जो सर बैठे थे हमसे गरमा गए, हमने पूछा कहाँ पे लिखा है नहीं आपकी 300 रुपये लगेगा, गलती से आदमी गाड़ी लगा दिया। और सब लोग यहाँ पे लोकल थोड़ी है कोई, लोकल है हम, हमारा घर गोरखपुर हुआ। आपका घर कहाँ हुआ भैया? चीनी मिल बक्सर। बक्सर चीनी मिल, फिर भी आपको जानकारी नहीं रहा होगा तभी आप लगाए, जानकारी था क्या? नहीं नहीं, जानकारी होता तो क्यों लगाते? चाचा कभी पकड़ाया आपका गाड़ी? नहीं। यहाँ का नियम आपको पता है, गाड़ी आपका पकड़ा जाएगा 300 रुपये लगेगा? नहीं नहीं पता है। आपको पता है क्या? नहीं पता। यहाँ का नियम पता है? पार्किंग वाला मिला रहता है, वही पार्किंग, इनका कहना है चाचा जी का लोकल है, वाला करताला मरता है, वही मिला रहता है, पार्किंग वाला ही मिला रहता है, वही आकर ताला मरता है। भैया आपका गाड़ी नहीं पकड़ाया का? आपका गाड़ी नहीं पकड़ाया है? कब आए हैं? अभी तो आए हैं, यहाँ पे तुरंत आए हैं अभी। यहाँ पे अगर लेट करिएगा आपको पता है 300 से 500 रुपया फाइन लगेगा, पता है? जी पता है। पहले यानी लग रहा है पहले आप दे चुके हैं? पहले तो नहीं दिए हैं, मगर मालूम है, जानकारी है कि आप यहाँ पे लग रहा है लोकल है आप। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ पे मतलब ये लोकल है तो इनको जानकारी था। यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ियाँ सब सीकरी में लगा हुआ है, और ज़्यादा कुछ क्या बताएं, बस बिहार सरकार से माननीय नीतीश कुमार जी से विनती करना, नहीं होना चाहिए हमारे यूपी में, चले जाइए, ये सब नहीं नियम है। क्या चाचा फाइन के बारे में आपको पता है? फाइन जो है वो भी करता है। फाइन जो है वो भी करता है। कितना फाइन लेता है? वही नहीं मालूम करता है फाइन लेता है, लेकिन फाइन होता है। अच्छा फाइन होता है, चलिए कोई बात नहीं भैया, ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बाकी क्या बोले, बाकी बिहार सरकार से विनती करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भी कुछ काम था, आए हुए थे 2 मिनट के लिए, बस गाड़ी लगाए, टिकट कटाए वहाँ पे, और तब तक आए वहाँ पे ताला लगाए। अब जाते जाते बस कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सुधार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑटो रिक्शा देख सकते हैं आप सब, यहाँ गाड़ी लगाने का पैसा, यहाँ ऑटो रिक्शा अगल बगल लगेगा
इसका पैसा नहीं होगा, क्योंकि इनको सवारी लेना है। ठीक है, कमाने वाले, हम नहीं बोलते हैं कि गरीब नहीं है, कमाने वाले नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है ना। ये रिक्शा का भी फाइन है, कितना फाइन है उसका? 2,250 रुपये फाइन है, यहाँ पर लगाना नहीं है। अच्छा, अनिवार्य है भाई, फिर भी लोग लगाते हैं, मानते नहीं, और सवारी पैसेंजर आती है। ये भाई का बताना है कि यहाँ पे फाइन लगता है ऑटो का भी 2,000 से 2,500। आपका गाड़ी कभी पकड़ाया है? नहीं, मेरा गाड़ी नहीं। गुटका खाए हुए हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। आपका गाड़ी कभी पकड़ाया है यहाँ पे? यहाँ पे फाइन लगता है गाड़ी का? नहीं पकड़ा है। अंकल जी, यहाँ पे गाड़ी कभी आपका ऐसे सीकर में बंधा हुआ है? नहीं नहीं। आपका? नहीं नहीं, हम लोग का तो जीप है। चलिए कोई नहीं, बस जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये तमाम सारी जो चीजें हैं सब नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।